हरिओम। संत श्री आशाराम जी गुरुकुल सूरत के ऋषि कुमारों द्वारा प्रस्तुत है एक छोटी सी काल्पनिक नाटिका घोर कलयुग। नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इनका किसी व्यक्ति वस्तु या घटना से कोई संबंध नहीं। अगर किसी व्यक्ति वस्तु या घटना से इनका संबंध नजर आता है तो केवल संयोग मात्र। हरिओम। आज तो मक्खन चुराने में मजा आ गया। आहा काना, आज तो बहुत मजा आ गया। काहे का मजा आवे? बाल बाल बच गया, नहीं तो वो गोपी पकड़ लेती है आज। अरे तेरे सर पे तो बाल है ही नहीं, तो तू बाल बाल कैसे बच गया? देखो ना काना, ये लोग मैं। अरे चुप हो जाओ। मुझे तो आज बहुत डर लग गया था। कान्हा अपने साथ है तो डरने की क्या बात है? कल देखा नहीं तुम लोगों ने, उस अगासुर से कान्हा ने हमें कैसे बचाया। कान्हा, तुमने इतने बड़े अगासुर को कैसे मारा? अगासुर तो मामूली सी बात है, मैंने तो इससे भी बड़े बड़े असुरों को चुटकियों में खत्म किया है। तुमने कितने असुरों को मारा काना? जब जब धरा पर धर्म की हानि हुई है, हर बार मैंने अवतार लेके असुरों का संहार किया है। चल चल काना, फेंक मत। तूने अगासुर को मारा वो तो ठीक है, और भी असुरों को मारा है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? काना का हर वचन सत्य होता है। क्या क्या बोला बड़ा? काना का हर एक वचन असत्य होता है। ये काना बहुत झूठ बोलता है। श्री दामा, असत्य नहीं, सत्य है सत्य। अच्छा, सत्य असत्य नहीं सत्य है। काना, तुमने कब कितने असुरों को मारा है? सतयुग में मैंने मत्स्य अवतार लेके हयग्रीव को मारा, कूर्म अवतार लेकर समुद्र मंथन में देव असुरों का सहायक बना, फिर वराह अवतार में हिरण्यक्ष को मारा, नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप को मारा, वामन अवतार में बलि को पाताल में भेज दिया, परशुराम अवतार में 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन बनाया, त्रेता युग में राम बनकर रावण का वध किया, और अभी काना बनके मैं तुम्हारे सामने हूँ। और आगे एक नया युग आएगा जिसमें मैं नित्य अवतार के रूप में संतों के हृदय में अवतरित रहूंगा। कौन सा युग है? उसका नाम क्या है काना? उसका नाम है कलयुग। कलयुग? ऐसा क्या होगा उस युग में काना? भद्रसेन, क्या नहीं होगा उस युग में ये पूछ। काना, तुम्हें तो सब पता है, उस युग में क्या होगा बताओ ना। नहीं 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 कान्हा, उस युग में लेके चलो ना हमें। अच्छा, तो तुम कलयुग देखना चाहते हो? हाँ, देखना चाहते हैं। तो चलो, चलो। Thank you.
अरे कान्हा, ये दो लड़के झगड़ क्यों रहे हैं? भद्रसेन, ये लड़के नहीं पति पत्नी है। कान्हा, तुम्हें पति पत्नी कहाँ नजर आ रहे हैं? ये दोनों तो एक जैसे ही कपड़े पहने हैं। मेरा तो दिमाग चकरा रहा है कान्हा। यही तो कलयुग है श्रीदामा, जो बर्तन मांज रहा है वो पति है और जो कुर्सी पे बैठी है वो पत्नी है। हे भगवान, ये सब होगा कलयुग में। पति घर का काम करेगा और पत्नी घर की मालकिन होगी। दामा, ये सब छोड़, वो मालकिन के हाथ में चौरस जैसी कौन सी चीज है जिसे वो हर बार देख देख के मुस्कुरा रही है? धनसुखा, उसके हाथ में गतिशील बेतारी दूरभाष यंत्र है। क्या क्या कान्हा, वापस बोल तो। कौन सा गया बीता तंत्र कान्हा? गया बीता तंत्र नहीं, इससे इस युग में मोबाइल कहते हैं, मोबाइल। अरे दामा, ये इस युग की ऐसी वस्तु है जिसके अभाव में कलयुग के व्यक्ति के प्राण कंठ तक आ जाते हैं। तुमने मदिरा का नशा तो सुना ही होगा, लेकिन कलयुग में मदिरा का नशा मोबाइल के नशे के सामने शून्य है, शून्य। बिना मोबाइल के तो कलयुग के व्यक्ति की न सुबह होगी न शाम होगी। मोबाइल के चक्कर में ये लोग बावरे हो जाएंगे, बावरे। और ये भी भूल जाएंगे कि मानव जन्म ईश्वर प्राप्ति के लिए हुआ है। इतनी भयंकर वस्तु है इस मालकिन के हाथ में। इसी का नतीजा है उसका पति बर्तन साफ कर रहा है। ये छोटे बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? ये बच्चा उसी मालकिन का है जिसके गोद में कुत्ता खेल रहा है। सब उल्टा फुल्टा हो रहा है यहाँ पर तो। कुत्ता गोद में है, बच्चा रो रहा है, पति बर्तन मांज रहा है, पत्नी किसी यंत्र में लगी है। घोर कलयुग, घोर कलयुग, घोर कलयुग का ना, घोर कलयुग। मेरा तो दिमाग चकरा रहा है सीतामा, मेरा तो दिमाग चकरा रहा है। अरे मित्रों, ये तो अभी शुरुआत है, आगे जाना तो अभी बाकी है। बाबूराव जी, साहब से थोड़ा मिलवा दो ना। अरे साहब जी के पास बहुत काम है, बहुत, इसलिए कल आना। सर सर, करवा दो ना, थोड़ा करवा दो ना। एक बार बोला तो समझ में नहीं आता है, साहब अभी बिजी है, जा भाग यहाँ से। अरे बाबूराव जी, आप तो गुस्सा हो गए, ये लो नाश्ता पानी के लिए। जा भाई जाओ, साहब जी से मिल लो, काम हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर, आपने जो बोले थे वो सभी डॉक्यूमेंट्स लेके आया। हाँ, ये सब तो ठीक है, पर फाइल में वजन नहीं। सॉरी सर, मैं कुछ समझा नहीं। अरे बिना चारे के गाय दूध देती है क्या, और तू यहाँ बैल से दूध निकालने चला। ओहो, समझ गया सर, समझ गया। अब तुम्हारा काम हो जाएगा। कान्हा, ये लोग किस चारे की बात कर रहे हैं? हम लोग तो चारा गाय को खिलाते हैं। ये कागज जैसा क्या दिया उसको जिससे वो आदमी खुश हो गया? कलयुग में इस चारे का नाम है करप्शन। कान्हा, ये कौन सी नई बल्ला है? करुपन, करुपन। श्रीदामा, कुडुपन नहीं, करप्शन है, करप्शन। कान्हा, ये करप्शन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घूस देना, घूस। मैं नहीं समझ पाया कान्हा। सीधा समझाता हूँ, सुनो। अगर कलयुग में तुम्हारे पास पैसा है तो उन पैसों के बल पर तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। मतलब बिना योग्यता के भी योग्यता हासिल कर सकते हैं, वो भी पैसों के बल पर। हाँ हाँ, ऐसा ही कुछ। घोर कलयुग,
घोर कलयुग, घोर कलयुग का ना घोर कलयुग। मेरा तो घोर से उड़ गया इस कलयुग में। चल चल श्री दामा, आगे चलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं WSC न्यूज चैनल। आज हम आपको ले चल रहे हैं बेंगलुरु शहर में। यहाँ आप देख सकते हो बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। एक बड़ा सा ट्रक एक छोटे से आदमी को बड़ी डेंजर तरीके से कुचलकर चला गया। हम आपको ले चल रहे हैं दुर्घटना की उस जगह पर जहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति पड़ा है। इतना बड़ा ट्रक आपको कुचल के चला गया और आप अभी भी जिंदा है। आप देख सकते हो किसी चमत्कार से कम नहीं है ये घटना। इतना बड़ा ट्रक कुचल कर चला गया फिर भी आदमी साबुत का साबुत है। बस उसका एक हाथ टूटा है, एक पैर फ्रैक्चर है और माथे पे थोड़ी चोट लगी है जिसमें से थोड़ा सा खून बह रहा है। तो आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? पानी, पानी, मुझे पानी चाहिए। मुझे ट्रक ने नहीं एक बाइक ने टक्कर मारी। पानी। आप देख सकते हैं किसी चमत्कार से कम नहीं है ये घटना। अभी भी आदमी बोल रहा है पानी 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 पानी। तो आपने देखा कैसे एक आदमी पानी के बिना तड़प तड़प के मर गया, फिर भी उसे कोई पानी पिलाने नहीं आया। इस आदमी को मरते हुए सबसे पहले हमारे चैनल ने दिखाया है। ऐसे ही ताजा खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल WSC पर बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और भूल से बेल आइकन बेल आइकन दबाना ना भूलें। कैमरामैन भुजंग बुलियार सिंह के साथ राजू बुलियार सिंह। ये कौन सा नया खेल है? वो आदमी पानी पानी करके तड़प तड़प के मर गया और डंडा लेके क्या कर रहा है? इंसानियत जैसी कोई चीज फेंकने कलयुग में। कौन थे वो दो लोग जो घायल आदमी की मदद नहीं किए? ये है कलयुग के संचार प्रचारक। इस युग में इन्हें मीडिया कहते हैं, जो अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए राय का पर्वत और पर्वत की राय बना सकते हैं। ये चाहे तो रातों रात राजा को भिखारी और भिखारी को राजा साबित कर देते हैं। हो सकता है कलयुग का इंसान भगवान की बातों का विश्वास ना करे, पर अगर मीडिया वालों ने कोई बात बोल दी मतलब वो बात सच्ची ही है। उस बात की सच्चाई जाने बिना, उसका परीक्षण किए बिना अंध की नाई उसका विश्वास करे। बाकी तो तुमने अपनी आंखों से देख ही लिया, उस मीडिया वालों ने स्कूटर का ट्रक कैसे बना दिया? काना घोर कलयुग देख लिया तेरा कलयुग। काना देख लिया तेरा कलयुग। चल वाप अपने वापस जोधपुर में, नहीं देखना है तेरा ये घोर कलयुग। और थोड़ी देर तक रहूंगा ना काना इस तेरे कलयुग में तो मैं पागल हो जाऊंगा पागल। चल चल गोकुल में। अरे अरे रुको थोड़ा। नहीं नहीं काना, अब ऐसा क्या देखना बाकी रहा तेरे कलयुग में? कलयुग की बुराई तुमने देख ली, अच्छाई नहीं देखोगे? कलयुग में अच्छाई भी है, ये तो बड़ा आश्चर्य है। हाँ हाँ क्यों नहीं, जहाँ दिन है वहाँ रात भी है, जहाँ दुख है वहाँ सुख भी है। वैसे ही कलयुग में बुराई है तो अच्छाई भी है। बस थोड़ा आगे चलते हैं। काना की तो बात मानो, चलो चलते हैं। तुलसी माता तुम्हें
कान्हा ये कौन सी जगह है जहाँ आते ही शांति महसूस हो रही है? ये घोर कलयुग में ये लोग तुलसी पूजा भी कर रहे हैं। ऐसे ही घोर कलयुग में ये लोग लोगों को तुलसी पूजन की महिमा किसने बताई? ये मेरे नित्य अवतार रूपी संतों की देन है। इन मेरे प्यारे संतों के कारण ही तो इस घोर कलयुग में भी गोकुल जैसा वातावरण है। ये मेरे संत स्वयं अपने आप को चंदन की नाई घिस कर समाज में सत्संग रूपी सुहास देते हैं। न दिन देखते हैं न रात देखते हैं और समाज में शांति एवं धर्म की स्थापना के लिए कार्यरत रहते हैं। पर कलयुग की ये सबसे बड़ी विडंबना है, ये समाज उन्हें क्या देता है? निंदा, आलोचना, तिरस्कार, झूठे आरोप, फिर भी संत सब कुछ सहकर समाज का हित ही चाहते हैं। और जो निष्ठावान शिष्य है वो संतों का संग नहीं छोड़ते और अपना जीवन उन्नत करते हैं। ऐसे शिष्यों को मेरा धन्यवाद है और ऐसे संतों को मेरा प्रणाम है। संत मेरे मुकुटमणि, मैं संतन का दास। वाह वाह काना, इस घोर कलयुग में संतों की महिमा भी है और उन्हें चाहने वाले भी हैं। ये सब देख के तो मेरा दिल भराया। चलो काना, हम भी तुलसी पूजन करते हैं। चलो। ओम श्री तुलस्यै नमः। ओम श्री वृंदायै नमः। ओम श्री हरिवल्लभायै तो देखा आप लोगों ने किस तरह छोटे छोटे बच्चे हंसते हंसाते हमें कलयुग की बुराई और अच्छाई बता दी और साथ साथ संतों की महिमा भी हमें बता दी। तो हम इन बच्चों से कुछ सीख लेकर अपना जीवन गुरु भक्ति में आगे बढ़ाए और गुरुदेव के बताए हुए ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर दृढ़ता से चले। हरिओम।